तो ये बात है कल की। मैं आराम से सो रहा था, देन मेरे को अचानक से याद आया कि कल के लिए मैंने तो कोई कंटेंट सोच के नहीं रखा है। फिर मैंने भी वही किया जो सब करते हैं, मैं भी गया यूट्यूब पे, वहाँ पर जाकर मैंने सर्च किया कंटेंट। देन मेरे को टॉप पे ही एक वीडियो मिला जिसका नाम था माइनक्राफ्ट इंडिया। ये वीडियो मेरे भाई वाइजी कॉपी ने अपलोड किया था। ये देख के मैं काफी खुश हो गया और मैंने बोला फिर क्या था, मेरे इस खुराफाते दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने जल्दी से अपने रूम का गेट खोला और मैं निकल गया बाहर। वैजय गोपी अपने रूम में ही था। वैजय गोपी से जाकर मैं पूछने वाला था कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। रूम का लाइट तो ऑन है, रूम भी खुला है, मतलब ये रूम के अंदर ही है। मैं झांक के देखता हूँ कि ये रूम के अंदर है कि नहीं, और भाई ये सच में बैठा हुआ है। चलते इससे पूछते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है माइनक्राफ्ट इंडिया को। फिर मैंने उससे बोला भाई मेरे को भी माइनक्राफ्ट इंडिया खेलना है, मेरे को दे दे जल्दी से। फिर उसने भी बोला कि ठीक है ले लो। गाइस अब बारी था माइनक्राफ्ट इंडिया को स्टार्ट करने का। गाइस अपना गेम स्टार्ट होने लगा है, मैं तो यार काफी एक्साइटेड हूँ, और अपना लोबी भी यहाँ पर आ चुका है। मैं इस गेम की वॉइस असिस्टेंट हूँ यार, इसमें वॉइस असिस्टेंट वाला भी फीचर्स है। गेम खेलने के लिए स्टार्ट बटन दबाए। हमारे चल। चलो जल्दी से एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ यहाँ पर क्रिएटिव। तुम बस क्रिएटिव मोड में ही खेल सकते हो, सर्वाइवल मोड में तो खेलना अपने गजब बेइज्जती है। ओके वर्ल्ड के अंदर मैं आ चुका हूँ, लेकिन वर्ल्ड इसका काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। शायद इस गेम में विलेज एडवांस रहता है पूरा। है तो क्या, ये तुम्हारे जैसा नूब थोड़ी ना है यार, ये तो फुल बेइज्जती करने में लगी हुई है अपनी। इसको छोड़ो, इग्नोर करते हैं इसको और चलते हैं इस विलेज को एक्सप्लोर करने। मेरे को ये विलेज काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। ऐसे विलेजेस माइनक्राफ्ट जो ऑफिशियल वाला रहता है उसमें भी रहता तो कितना ज्यादा मजा आता खेलने में। इस विलेजर के घर में मेरे को गेट तो नहीं मिला, लेकिन इसने यहाँ पर स्विमिंग पूल एक बना कर रखा हुआ है, और मस्त यहाँ पर चढ़ने वाला भी बनाया है। इस पे चढ़ के मस्त हम लोग स्विमिंग पूल में कर सकते हैं। देखना कहीं चोर समझ के तुम्हें ये विल्ला गिरस मारने न लगे। ओए तो चुप हो जाओ, अभी तो जानते नहीं मैं बहुत बड़ा प्रो हूँ यार। इस गेम में तो घोड़ा गाड़ी भी है। हाँ बिल्कुल तुम्हारे ही तरह। गजब बेइज्जती है ये AI तो बकबक करते रहेगी। इसको इग्नोर करते हैं और चलते हैं इस घोड़ा घर पे बैठ के घूमते हैं। बहुत मजा आ रहा है यार इसको चलाने में, बहुत ज्यादा ही सही लग रहा है। पता नहीं कौन से वाले विलेजर का था मैंने चुरा लिया। वहाँ सामने मेरे को एक और अलग टाइप का तांगा दिख रहा है, चलते हैं उसका भी टेस्ट ड्राइव लेने। इसको भी चलाने में मजा आ रहा है, लेकिन इसमें मेरा प्लेयर ही छिप जा रहा है। छोड़ो यार, जिसका था उसको वापस दे देते, नहीं तो पता चला अरंगुलम आके मेरे को पीटने लगा। तुम्हारे वर्ग में विजागाप ऐड हुआ है। हाँ हाँ मेरे को भी दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों मेरे वर्ल्ड में ऐड हुआ है, शायद देखने आया होगा कि मेरे को माइनक्राफ्ट इंडिया खेलने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें उसके पास जाना है? हाँ जाना तो है, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे, वो पता नहीं कहाँ स्पॉन हुआ मैं है। ले जा सकती हूँ। ठीक है फिर ले चलो। तो फाइनली मैं इसके पास आ गया, और ये देखो भाई साहब गधा गधे पे बैठा हुआ है। इमोशनल डैमेज। ये मेरे को सामने बुला रहा है उधर रिवर के पास कुछ दिखाने के लिए। मत जाना, ये तुम्हें उल्लू बना रहा है। मैं तो इसके नहीं सुनने वाला, मैं तो जा रहा हूँ देखने की क्या है वहाँ पे। ये मेरे को रिवर में जाने के लिए बोल रहा है, चलो चलते देखते हैं शायद कुछ बढ़िया चीज होगा। ओ भाई इसने यहाँ पर ट्रैप सेट करके रखा हुआ था और मैं यहाँ पे गया। मैंने बोला था मत जाओ यार, इस बार इसकी सुन लेनी चाहिए थी। तो हाँ गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप सो को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग काफी द क्लोज है 68K के, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैंने बनाया था, तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस पार्ट 2 पार्ट 3 इसका अगर आगे का एपिसोड भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और गाइस एक बार जरूर बताना कि आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है कि नहीं है। सो ओके गाइस मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।